तो पिछली कक्षा में हम लोग देखे थे ज्ञान के बारे में। मैंने बताया था कि ज्ञान शब्द जो है ज्ञ धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, जानना होता है। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो किसी व्यक्ति के स्वरूप वैसा वैसा ज्ञान जैसा कि वह अनुभव होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि यदि किसी वस्तु को आप देखते हैं दूर से, तो वह आपको पानी दिखाई दे रहा है। दूर से आप देखने पर उसको पानी दिख रहे हैं, लेकिन जब नजदीक जाते हैं तो वहां पर भी आपको पानी ही मिलता है, तो कहा जा सकता है कि वह अमुक ज्ञान है, यानी कि वास्तविक ज्ञान होता है, रियल ज्ञान होता है। लेकिन अगर आप दूर से देख रहे हैं कि वह पानी है, लेकिन पास जाके देखते हैं तो वह पानी नहीं है, तो वह क्या हो जाएगा, आपका वास्तविक ज्ञान नहीं हो जाएगा, ठीक है। वह वास्तविक ज्ञान आपका नहीं माना जाएगा। तो हम लोग नॉलेज के बारे में पिछली कक्षा में देखे थे, अब हम लोग चलते हैं इसके महत्व के बारे में। तो इसका महत्व क्या है, हम लोग इस पर देखेंगे, इसके जितने भी पॉइंट है सबको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले ज्ञान का महत्व क्या है। मानव जीवन के लिए ज्ञान का महत्व बहुत ही अधिक है। अगर बात करें मनुष्य के लिए यानी मानव जीवन के लिए, तो नॉलेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मानव जीवन के लिए ज्ञान उसकी रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है। आपको पता ना कि रीढ़ की हड्डी किस तरह से कार्य करती है। अगर मान ले आपके शरीर की अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए, तो फिर आपके लिए बहुत समस्या हो जाएगी, क्योंकि आपकी शरीर जो है उस पर टिकी रहती है, ठीक है, उस पे ही डिपेंड रहती है। तो अगर आपकी रीढ़ की हड्डी अगर टूट जाए, तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या परेशानी हो सकती है। इसी तरह से इसकी तुलना किससे गई है, ज्ञान के महत्व के बारे में, यानी कि मानव जीवन के लिए ज्ञान क्या है, उसकी रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है। इसलिए मानव जीवन में ज्ञान का महत्व जो है बहुत बढ़ गया है। अब इसके पॉइंट देखते हैं कि इसमें क्या है। पहला कि ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आंख कहा गया है। देखो इसके इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज में देखते हैं क्या है, कि ज्ञान को मनुष्य की क्या कहा गया है, तीसरी आंख। तीसरी आंख आप लोग समझते हैं ना, तीसरी आंख कहने का मतलब क्या है, चलो एक बार आप कमेंट करके बताओ, किसी को पता है क्या तीसरी आंख का मतलब क्या होता है, फिर हम लोग इसको देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो पहला कहता है कि ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आंख कहा गया है, तो किसी को अगर पता है तीसरी आंख के बारे में तो आप लोग बताइए, ठीक है ना। तो फटाफट कमेंट करना आपको, चलिए अगर नहीं पता है तो मैं बताऊंगा। पहला पॉइंट है कि ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आंख कहा गया है। चलो आपके सवाल के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है ना, जो मैंने आपसे सवाल किया उसके जवाब आप लोग नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। किसी का कमेंट ही नहीं आ रहा, शायद किसी को पता नहीं है। चलिए तीसरी आंख के बारे में जान लेते हैं। पुराणों में आप भगवान शंकर के बारे में सुने होंगे, ठीक है, उनके माथे पर तीसरी आंख है, उसका उल्लेख किया गया है ना। तो उस आंख से क्या है, यानी कि उस आंख से वे सब कुछ देख सकते हैं जो आम आंखों से नहीं देखा जा सकता। यानी कि मनुष्य के पास जो दो आंखें होती है, उस आंखें से मनुष्य जो है नहीं देख सकता है, लेकिन जो तीसरी आंखें होती है उससे पूरी दुनिया को देख सकता है, ठीक है ना। तो पुराणों में आपने सुना होगा भगवान शंकर के बारे में कि उनकी तीसरी आंख होने का उल्लेख किया गया है। तो तीसरी आंख कहने का मतलब क्या है, कि उस आंखों से जो है पूरी दुनिया को देख सकते हैं, जो समान आंखों से नहीं देख सकते, जो दोनों आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आंख कहा गया है। ज्ञान के बारे में क्या बताया गया है, ज्ञान के बारे में बताया गया कि यह मनुष्य की तीसरी आंख है, यानी कि ज्ञान से ही मनुष्य पूरी दुनिया को देख सकता है, ठीक है ना, इसको तीसरी आंख कहा गया है। अगला देखते हैं, ज्ञान ही वह गुण है, ज्ञान मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है। ज्ञान क्या है, देखो ज्ञान क्या करता है, मनुष्य को अंधकार से लेके प्रकाश की ओर ले जाता है, ठीक है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप ऐसे भी ऑलरेडी अंधकार में हो, लेकिन ज्ञान क्या करता है, आप अंधकार में हो लेकिन अंधकार से लेके आपको कहाँ की ओर जाता है, प्रकाश की ओर लेके जाता है, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या हो गया, ज्ञान जो है मनुष्य को अंधकार से लेके प्रकाश की ओर जाता है, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं कि ज्ञान मानव जीवन का सार है, विश्व का नेत्र है, और ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। ज्ञान क्या है, मानव जीवन का सार है और विश्व का नेत्र है, यानी कि नेत्र कहें तो आंख है, विश्व के लिए आंख जैसा कार्य करता है। ज्ञान जो है ना पूरे विश्व के लिए आंख जैसा कार्य करता है, ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंस में देखेंगे तो पहला क्या हो गया, ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आंख कहा गया है। दूसरा हो जाएगा, ज्ञान ही वह गुण है जहां मनुष्य को अंधकार से प्रकाश को ले जाया जाता है। और तीसरा क्या होगा, ज्ञान जो है मानव जीवन का सार है, विश्व का नेत्र है, और ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं होता है, ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं होता है, ठीक है। अगला देखते हैं कि ज्ञान का प्रकाश जो है सूर्य के समान है। देखो जो ज्ञान का प्रकाश होता है, जो नॉलेज होता है ना, वह किसके समान है, सूर्य के समान है, यानी कि सूर्य से इसका तुलना किया गया है, ठीक है ना। इसका किससे तुलना किया गया है, सूर्य से किया गया है, ठीक है। ज्ञानी मनुष्य ही अपना और दूसरे के कल्याण करने में सक्षम होते हैं। जो ज्ञानी मनुष्य होते हैं ना, तो जो ज्ञान मनुष्य होते हैं वही जो है अपना
और दूसरों का कल्याण करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लियर है? चल, यहां तक क्लियर है आपका? हाँ, क्या था सार का मतलब, क्या क्वेश्चन था? हाँ, ज्ञान मानव जीवन का सार है, कहे तो मानव जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उसका कहे तो सार का, सार का क्या हो जाएगा? पदार्थ का जो मुख्य मूल अंश होता है, जो मूल अंश होता है, जिसे समरी भी बोल सकते हैं, ऐसा इसको समरी भी बोल सकते हैं। चलिए, हाँ यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, अगला देखिए, अगला पॉइंट देखिए। ज्ञान जो है विश्व के रहस्यों को खोजता है। देखो, विश्व में, दुनिया में जितने भी रहस्य है ना, तो ज्ञान के माध्यम से ही उसको खोजा जाता है। आप देखेंगे कि दुनिया में बहुत सारी चीजें खोजी जाती है, जो बहुत सारी चीजें हैं जो रहस्य है, रहस्यमय तरीके से जो रहती है, उसकी भी खोज होती है, तो ज्ञान के माध्यम से होती है। तो जो दुनिया में चीजें हैं जो रहस्य है, उसकी भी खोज किसके द्वारा होती है? ज्ञान के माध्यम से होती है। तो ये भी इसका इंपॉर्टेंस है। अगला कि ज्ञान से चरित्र निर्माण व बोध होता है। ज्ञान से क्या होता है? चरित्र का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें समझाने वाली बात नहीं, ये लोग, ये तो आप समझ रहे हैं ना। तो देखो, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो भी पॉइंट आपका पहला था, ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आंख कहा गया है। तीसरी आंख का मतलब आप समझ रहे हैं, मैंने आपको बताया कि जैसे भगवान शंकर के पास तीसरी आंखें हैं, उसका उल्लेख किया गया है। यानी कि तीसरी आंख कहने का मतलब वो आंख जहाँ की, मतलब जो समान आंखों से नहीं देख सकते हैं, तीसरी आंखों से आप पूरी तरह से देख सकते हैं। दूसरा है कि ज्ञान ही वह गुण है जो ज्ञान मनुष्य को अंधकार से लेके कहाँ जाता है? प्रकाश की ओर लेके जाता है। और अगला क्या हो जाएगा? ज्ञान जो है मानव जीवन का सार है, विश्व का नेत्र कहा गया है, और ज्ञान से बढ़कर कोई दूसरा सुख नहीं है। चौथा कि ज्ञान का प्रकाश जो है सूर्य के समान है। जो ज्ञान आपकी है, ज्ञान के प्रकाश को सूर्य के समान माना गया है। ज्ञानी मनुष्य ही है और अपने का, जो ज्ञानी मनुष्य है ना, वह स्वयं अपना और दूसरे का भी कल्याण कर सकता है। भाई, अगर आपके पास नॉलेज है, तभी आप अपना कल्याण कर पाओगे और दूसरे का भी कर पाओगे। ठीक है ना। हालांकि ज्ञान जो है विश्व के रहस्यों को खोजता है। जो भी विश्व के रहस्य है, उसको खोजने का काम कौन करता है? ज्ञान ही करता है, नॉलेज ही करता है। और अगला कि ज्ञान के चरित्र निर्माण व बोध होता है। ज्ञान से क्या होता है? चरित्र का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसलिए आप देखते हैं कि ज्ञान को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ये सभी जो है इसके इंपॉर्टेंस हो गए, महत्व हो गए। हालांकि ज्ञान जो है धन की तरह है। अब देखो, इसकी तुलना किससे किया गया है? ज्ञान की तुलना जो है धन से किया गया है। जितना एक मनुष्य को प्राप्त होता है, वो उतना ही ज्यादा इच्छा रखता है। जैसे कि आपको अगर धन की इच्छा होती है, मान लो कि आप, धन आपके पास थोड़ा सा आता है, जितना आएगा आप उतना खोजोगे कि मेरे पास और भी धन आता रहे। ठीक है, तो उसी तरह से ज्ञान किससे है? ज्ञान जो है धन की तरह है। जितना एक मनुष्य को प्राप्त होता है, वह उतना ही ज्यादा इच्छा रखता है। मान लो कि, अब कहने का मतलब कि मान लो कि आपके पास पैसा है, ठीक है, आपके पास धन है बहुत सारा, जितना धन आएगा ना, आप उतना ही कहोगे कि और मेरे पास होता, और मेरे पास होता तो और अच्छा होता। उसी तरह से ज्ञान है, जितना आपके पास आता है, जितना मनुष्य प्राप्त करता है, उतना ही इच्छा रखता है। ठीक है ना, इसलिए पढ़ाई का कहीं अंत नहीं माना गया है। क्लियर है? तो ज्ञान किस तरह है? ज्ञान धन की तरह है। ये पॉइंट आप ध्यान रखना माइंड में, मैं जो चीज आपको बता रहा हूँ, जब आपको इंपॉर्टेंस लिखना होगा तो वहां पे पॉइंट आपके काम आएंगे। तो सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, माइंड में रखना है। तो ज्ञान क्या है? धन की तरह है। जितना एक मनुष्य को प्राप्त होता है, वह उतना ही ज्यादा इच्छा रखता है। अगला कि ज्ञान जो है सत्य तक पहुंचने का साधन है। अब कहने का मतलब, ज्ञान क्या है? सत्य तक पहुंचने का माध्यम है, या असत्य को पहचानने का माध्यम हो जाएगा। ज्ञान क्या है? सत्य तक पहुंचने का माध्यम है, या फिर आप लिख सकते हैं कि ज्ञान जो है असत्य तक, असत्य को भी बतलाता है। तो देखो, सत्य तक पहुंचने का साधन है। ज्ञान के माध्यम से आप सत्य की खोज कर सकते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध के बारे में आप जानते हैं, ठीक है, ज्ञान के माध्यम से ही उन्होंने सत्य की खोज किया था। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिख रहे जाएंगे। तो ज्ञान क्या है? सत्य तक पहुंचने का साधन है, या आपको सत्य तक लेके जा सकता है। अगला कि धर्म की भांति ज्ञान को भी जानने के लिए अनुभव करने चाहिए। जिस तरह से आप धर्म को जानने की इच्छा रखते हैं, अलग अलग धर्मों के हैं, जैसे हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, ईसाई हो गया, ये सभी धर्मों के बारे में आप जानने की जिस तरह से इच्छा रखते हैं ना, उसी तरह से आप जो है ज्ञान को भी जानने की इच्छा रखेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। देखो, धर्म की भांति ज्ञान को भी जानने के लिए अनुभव करने चाहिए। ठीक है, इसके लिए भी अनुभव करना चाहिए। जिस तरह से आप धर्म में ज्यादा इंटरफेयर करते हैं, उसी तरह से आपको ज्ञान के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, इसके बारे में अनुभव करना चाहिए। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। ज्ञान क्या है? ज्ञान प्रेम तथा मानव स्वतंत्रता के सिद्धांतों का आधार है। ज्ञान क्या है? प्रेम तथा मानव स्वतंत्रता के सिद्धांतों का आधार माना गया है। किसको? प्रेम को। अब अगला देखते हैं कि एक बार प्राप्त किया गया ज्ञान हमेशा प्रयोग किया जाने वाला बन जाता है। देखो, कहने का मतलब है कि एक बार अगर कोई ज्ञान आप प्राप्त कर लेते हैं, तो वह हमेशा प्रयोग में आपका आने लगता है।
ठीक है, कोई ऐसा ज्ञान होता है, जो नॉलेज होता है जो आप प्राप्त कर लेते हैं ना, तो उसका उपयोग आप बार बार करने लगते हैं। चलिए, क्या है सुमित को डिटेल सुबह में सर? नॉलेज मतलब ठीक है। चलो, तो बाद में आप लोग कमेंट करना जो भी समस्या रह गई हो, क्योंकि आप अभी ज्वाइन किए हैं इसलिए देरी से आप जुड़े हैं, तो फिर आपके क्लासेस तो मिस हुए होंगे, इसलिए कहता हूँ जब आपको लिंक शेयर किया जाता है उसी समय आप ज्वाइन कीजिए। तो यहाँ तक समझ गए हैं? चलो एक बार कमेंट करो जितने लोग देख रहे हैं, यहाँ तक समझ गए हैं ना? देखो, पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जो इम्पोर्टेंट होगा उसमें आपको पॉइंट ही लिखना है, तो यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो एक बार प्राप्त किया गया ज्ञान क्या होता है? हमेशा प्रयोग किया जाने वाला बन जाता है, यानी कि एक बार आप अगर कोई ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उसका प्रयोग आप बार बार करने लगते हैं। ठीक है ना, कहीं कोई समस्या नहीं है ना? चलिए अगला देखते हैं कि तथ्य मूल्य ज्ञान के आधार के रूप में कार्य करता है। तथ्य क्या है? मूल ज्ञान के आधार के रूप में भी कार्य करता है। कुछ तथ्य भी होते हैं जिससे आप जो है नॉलेज को ग्रहण कर पाते हैं। अगला कि ज्ञान जो है क्रमबद्ध चलता है। ठीक है, ज्ञान क्या होता है? क्रमबद्ध चलता रहता है। ज्ञान जो होता है क्या होता है? क्रमबद्ध तरीके से चलता रहता है। अगला कहा गया है कि ज्ञान क्या है? शक्ति है। तो बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हो, ज्ञान के बारे में आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है ना, चलो अगला देखते हैं कि ज्ञान की सीमाएं क्या होती है? निश्चित नहीं। देखो, ज्ञान की जो सीमा होती है ना, तो ज्ञान की सीमा को निश्चित नहीं माना गया, इसको फिक्स नहीं माना गया कि ज्ञान की सीमाएं कितना होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नॉलेज के बारे में आप बता ही नहीं सकते इसके अंत कहाँ तक है। तो इसकी जो सीमाएं है इसको निश्चित नहीं रखा गया है, यानी कि क्या है, यह फिक्स नहीं है। ठीक है, ज्ञान की सीमाएं क्या है? निश्चित नहीं मानी गई है। ज्ञान क्या है? समय का परिणाम है। ज्ञान को क्या बताया गया है? समय का परिणाम है। अगला देखिए, ज्ञान क्या है? चेतना है जिससे मनुष्य का मनोबल व आत्मविश्वास बनता है। देखो, अब कहा गया है कि ज्ञान क्या है? चेतना है जिससे क्या होता है, मनुष्य का मनोबल बढ़ता है या आत्मविश्वास भी उसका बढ़ता है। नॉलेज से क्या होता है? देखिए, आपके अंदर अगर नॉलेज होती है तो आपका आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही ना, आपका मनोबल भी बढ़ने लगेगा। मान लो कहीं पे आप खड़े हो, ठीक है, आप पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन वहां पे अगर कुछ बातें हो रही है तो वहां पे आपको बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं किया है तो आपको वो चीजें खराब लगेगी। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति है, अगर वह वहां पे पढ़ा लिखा है तो उसका मनोबल बढ़ता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, और अगर कोई बात को सुनता है तो उसमें इंटरफेयर देता है, क्योंकि हम जानते हैं जानकारी हमको है, तो इसलिए वहां पे वह बोलने लगता है। तो ज्ञान को क्या है? चेतना कहा गया, जिससे मनुष्य का मनोबल और आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है। ज्ञान है तभी तो बढ़ेगा ना, अब आपके अंदर ज्ञान ही नहीं है तो क्या बढ़ेगा? मनोबल थोड़ी ना बढ़ेगा, आत्मविश्वास भी कमी हो जाएगा, तो आत्मविश्वास भी नहीं बढ़ेगा, मनोबल भी कमी हो जाएगा। तो इसलिए ज्ञान जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे पॉइंट जो है आपके क्या है? ज्ञान के इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अगला देखते हैं पॉइंट क्या है। अगला देखिए, ज्ञान से ही अच्छे बुरे कर्म, देखिए ज्ञान के माध्यम से ही क्या होते हैं? आप अच्छे को अच्छे की पहचान कर पाएंगे, बुरे की पहचान कर पाएंगे, या कर्म जो हो गया अकर्म हो गया, सुंदर असुंदर, सन्मार्ग कुमार्ग कुमति, सत्य असत्य, ज्ञानी अज्ञानी, पुण्य पाप, देखिए लाभ हानि, सुख दुख, अधर्म मित्र दुश्मन, उपकार अपकार, धीर अधीर, प्रशंसा निंदा, सफल असफलता, यश अपशस, मान अपमान, विजय पराजय का ज्ञान होता है। देखो, ज्ञान के माध्यम से ही ना ये सारी चीजें की नॉलेज आपको आती है। देखो, आप अच्छे बुरे की पहचान कैसे कर पाते हो? ज्ञान के माध्यम से नहीं। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आपको कैसे पता कि यह चीज अच्छा है या चीज बुरा है, कैसे आपको पता है? और ज्ञान में भी आपका इंपॉर्टेंट रोल कौन अदा करता है? ज्ञान इंद्रिया भी आपको दिखाती है, अनुभव कराती है। जैसे ज्ञान इंद्रिया क्या होती है? हमारी आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ना कि जहाँ पे अनुभव किया जाता है। ठीक है, तो ज्ञान से ही आप अच्छे बुरे की पहचान कर पाएंगे, जो भी अच्छे बुरे कर्म हो, अकर्म हो, सुंदर हो, असुंदर हो, ये तो सभी जो आप ज्ञान से ही कर पाएंगे, लाभ हो, हानि हो। अगर आपके पास अगर ये चीजें नहीं है तो आप कैसे पहचान पाओगे? नहीं ना कर पाओगे। अधर्म हो गया, असफलता हो गया, निंदा हो गया, ये सभी जो आपका किस में आएगा? ज्ञान में ही आएगा, और ज्ञान के माध्यम से ही आप इसको पहचान पाओगे। क्लियर है? तो एक बार आप लोग कमेंट करो यहाँ तक क्लियर है, और एक बार वीडियो को लाइक भी कर दो जो लोग लाइक नहीं किए हैं। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप लोग क्लासेस कंटिन्यू करो। देखो, छोटा सा टॉपिक पढ़ो लेकिन उसको क्लियर पढ़ो। हाँ, यह पॉइंट आपको माइंड में रखना है। देखो, जरूरी नहीं कि मैं जितना पॉइंट आपको बता रहा हूँ उतना सब आप इसमें से रट्टा ही मार ले। आप अपने माइंड में रखिए बस, और इसको आप लिख पाओगे, आसानी से लिख पाओगे। इसमें कुछ है नहीं, जो पॉइंट है आपको अच्छे से समझा भी दिया जा रहा है ताकि आपको कोई भी समस्या नहीं है। क्लियर है? तो ज्ञान से क्या होता है? अच्छे बुरे की पहचान होती है, कर्म जो अकर्म होते हैं, सुंदर असुंदर होते हैं, ये सभी चीजों की पहचान होती है। कहाँ से होती है? ज्ञान से ही मिल पाती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि ज्ञान को मस्तिष्क की खुराक कहा गया है। अब देखो, मस्तिष्क का खुराक कहा गया है या मस्तिष्क की खुराक ही है ज्ञान जो है ना। अब देखो, कोई भी खुराक होता है, जैसे आप कोई दवा भी लेते हो,
तो दवा लेते हो तो किसके लिए, फायदे के लिए लेते हो ना, कोई भी खुराक लेते हो। तो इस तरह से क्या कहा गया, ज्ञान को मस्तिष्क का खुराक कहा गया है। समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंस है ज्ञान का। जिस तरह से कंप्यूटर आप पढ़ते हो तो सीपीयू को क्या कहा गया, ब्रेन कहा जाता है ना, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, उसका दिमाग कहा जाता है सीपीयू को। उसी तरह से ज्ञान को मस्तिष्क का खुराक कहा जाता है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन इस एग्जाम्पल से आप थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कर सकते हो। तो ज्ञान को मस्तिष्क का खुराक यानी दिमाग का क्या कहा जाता है, खुराक कहा जाता है। इसके बिना चलेगा? अब मान लो कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो बिना पेट्रोल के गाड़ी चलेगा? नहीं ना चलेगा। तो मस्तिष्क में अगर खुराक ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, तो क्या आपका मस्तिष्क चलेगा? नहीं ना चलेगा भाई। तो आप पेट्रोल अगर गाड़ी में नहीं रखते हो, ऐसे भी पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, तो अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं रख पाओगे तो गाड़ी चलेगी क्या? पानी पे तो नहीं चला पाओगे ना। तो उसके लिए आपको पेट्रोल चाहिए। ठीक उसी प्रकार से मस्तिष्क के लिए क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। हाँ बिल्कुल, ज्ञान को ब्रेन का खुराक कहा जाता है। खुराक जैसे कि आप पेट्रोल किसके लिए, गाड़ी के लिए लेते हैं, तो नहीं नहीं ना चला पाओगे, पानी पे तो नहीं चला पाओगे। आप ज्यादा आप अपना दिमाग लगाओ तो कहोगे कि सर मीठी तेल चाहे अलग कुछ करके हम थोड़ा देर के लिए चला सकते हैं, लेकिन जो उसका खुराक है उस पे आप नहीं उसको नहीं देंगे तो कितना देर तक चलेगा, उसके इंजन पे असर करेगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखो, तो ज्ञान को मस्तिष्क का खुराक कहा जाता है। आप समझ जाओगे कितना इंपॉर्टेंस है ज्ञान का, ठीक है। और ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप लोग भली भांति इससे परिचित हैं। चलिए आगे देखते हैं कि ज्ञान जो है भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को समझने में मदद करता है। जो भी भौतिक जगत है, जो आध्यात्मिक जगत है, सभी को समझने में कौन मदद करता है, ज्ञान ही मदद करता है। ज्ञान जो है पुरानी से पुरानी चीजों को भी आपके सामने ला के रखता है, जो नई चीजें आती है उसको भी सामने रखता है, जो खोज होता है उसको भी आपके सामने रखता है। तो सभी में इंपॉर्टेंस जो है अपना अदा करता है, कौन रोल, यही ज्ञान। अब अगला देखिए, ज्ञान जो है समाज सुधारने में, जैसे ज्ञान क्या है, समाज को सुधारने में भी मदद करता है। देखो समाज में अंधविश्वास होते हैं, बहुत सारी रीति रिवाज मान्यताएं होती है ना हमारी समाज में, हमारी समाज में आज भी बहुत सारी परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, जो कि अंधविश्वास में चल रहा है। तो इसको दूर करने का प्रयास कौन करता है, ज्ञान ही करता है, ज्ञान के माध्यम से ही। धीरे धीरे जिस तरह से हमारे समाज में लोग जैसे शिक्षित होंगे, वैसे वैसे जो हमारे समाज की जो परंपराएं है, रीति रिवाज है, जो अंधविश्वास है, उसमें कमी आएगी। तो कमी किसके माध्यम से आएगी, यानी कि जब ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, तभी तो आएगी कमी। अब मान लो कि समाज में जितने भी व्यक्ति हैं उसमें सब अनपढ़ है, तो अनपढ़ है तो उसी तरह से रीति रिवाज को मानेंगे। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो फिर वह उस दृष्टि से सोचेगा। जैसे स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था, समाज को सुधारने का काम किया था कि नहीं किया था? उनको बहुत सारी चीजें का सामना करना पड़ा था, बहुत उनको यहाँ पे कठिनाइयां का सामना भी करना पड़ा था, तो वह ज्ञान को सुधारने का काम किए थे, ज्ञान माफ कीजिए समाज को। और उसके लिए ज्ञान चाहिए ना, नॉलेज तो चाहिए ना। तो बिना नॉलेज का आप कैसे समाज को सुधार सकोगे, क्योंकि समाज में अगर शिक्षा ही नहीं, नॉलेज है ही नहीं, तो सुधार पाना क्या है, बहुत ही कठिन है। अगला देखिए, ज्ञान से ही मानसिक, बौद्धिक, स्मृति, निरीक्षण, कल्पना व आदि शक्ति का विकास होता है। देखो ज्ञान के माध्यम से ही मानसिक होती, मानसिक मानसिक कहते तो आपकी मानसिक विकास होती है, जैसे निरीक्षण, कल्पना आदि बौद्धिक शक्ति यानी कि बुद्धि का विकास भी आपकी ज्ञान के माध्यम से ही होता है। अगला कि ज्ञान जो है शिक्षा प्राप्ति हेतु साधन का काम करता है। ज्ञान क्या करता है, शिक्षा प्रदान करने में आपकी मदद करता है, ठीक है। शिक्षा को प्रदान करने में साधन का काम कौन करता है, यह आपका ज्ञान ही करता है, नॉलेज ही करता है। अगला कि नैतिकता ज्ञान से ही प्राप्त की जा सकती है। देखो अब बहुत सारी चीजें होती है, उसमें आपकी नैतिकता भी होगी, तो नैतिकता किससे प्राप्त की जा सकेगी, तो ज्ञान से ही है, ज्ञान से ही प्राप्त की जा सकती है। और लास्ट पॉइंट है आपका कि विश्व के महान दार्शनिक का मत है कि ज्ञान अपने आप को जानने का सशक्त साधन, ज्ञान सद्गुण और अज्ञान पाप है। यानी कि विश्व के जो महान दार्शनिक है, इन्होंने कहा है कि ज्ञान जो है अपने आप को जानने का सशक्त साधन है। ज्ञान के माध्यम से ही मनुष्य अपने आप को आसानी से जान पाएगा, ठीक है। यह किसने कहा था, विश्व के महान दार्शनिक है, इन्होंने कहा था, इनके मत थे। तो देखो अगर आपसे पूछा जाए ज्ञान के महत्व क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज, तो क्या होगा, इसमें सारे पॉइंट आपको लिखने होंगे। अब मान लो इसमें 25 पॉइंट मैंने आपको बताया, तो जरूरत नहीं कि 25 ही लिख पाओ, जितना आपको अगर याद है, 15 हो 20 हो 25 हो 30 भी लिख सकते हो, जरूरत नहीं कि आप इतना ही लिखो। बस आपको ध्यान में रखना है कि कैसे कैसे यहाँ पे आप महत्व को देखो हो और कैसे कैसे आपको लिखना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है।